गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनंकार जी। आज का टॉपिक है काम का वध करने वाला अजय है। प्यारी सत्संग जी, ये काम मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है। ये काम वासना नरक का मार्ग है और इससे बचने के लिए हमें परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, हरि का भजन, हरि में डूबना पड़ेगा। अगर इस काम वासना से बचना है, इन विकारों से बचना है, तो हरि के रंग में इस मन को रंगना पड़ेगा। बेरंगे के रंग में डूबो, आनंद से भरपूर रहो। किस निरंकार के रंग में रंग जाओ, तभी बच पाओगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को मार डाल। ये काम वासना ही आत्मा को अधोगति में ले जाती है। आत्मा निरंतर योनियों में जाती है। ये काम ही आत्मा को अधोगति में ले जाता है। जन्म मरण चक्र बना रहता है, लगातार योनियों का चक्र। संत कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं। तो ये आत्मा योनियों में लगातार भटकती रहती है, काम वासना के वशीभूत होकर, क्योंकि मन और आत्मा, ये शरीर में जब आते हैं तो ये मन जो है भटकाता है। मन बार बार भटकाता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आसा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कि मन जो है इसको ही समझाया जाता है, बार बार समझाया जाता है कि हरि का भजन कर ले, हरि का सिमरन कर ले, और जो इस हरि के रंग में रंग जाता है मन, फिर उसके मन से काम वासना चली जाती है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहय रघुबीर भजो भजय जय संत। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के मार्ग हैं। काम का वध करने वाला अजय होता है, जिसने इस काम को जीत लिया, इस काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली, मन को जीत लिया। तो मन जीते जग जीत, मन को जो जीत लेता है वही भक्त है। मन को जीतना ही भक्ति है। ये काम मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है, मनुष्य को बंधन में बांधता है। कामना का नाश केवल हरि के भजन सेवा सत्संग सिमरन से ही होता है, भक्ति से होता है। भक्ति से ही इस मन को प्योरिफाइड किया जा सकता है, भक्ति से ही इस मन को साफ किया जा सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मन को बार बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि मन तुरंत मैला होता है, इसमें विकार आते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस मन में समा जाते हैं और ये विकार हमें परेशानी में डालते हैं। तो मन की क्लीनिंग जरूरी है, मन की सफाई जरूरी है। मन की सफाई करने के लिए हमें इस निरंकार को मन में बसाना पड़ेगा, इस निरंकार के साथ मन को जोड़ना पड़ेगा। जब इस हरि निरंकार के साथ मन जुड़ जाता है तो मन प्योर होता है, क्योंकि निर्मल पावन पवित्र है परमात्मा, ये निरंकार। तो जब निर्मल पावन पवित्र परमात्मा निरंकार के साथ मन का नाता जुड़ेगा तो मन भी प्योर होगा, मन भी निर्मल पावन पवित्र पाक हो जाएगा। और जब ये मन साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, तो फिर उस मन से काम वासना का विनाश होता है।
तो काम का वध करने के लिए मन को साफ करना पड़ेगा। जिसका मन साफ हो जाता है, निर्मल पावन पवित्र हो जाता है, फिर वो अजेय हो जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो अजेय है, वही विजेता है। सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो अपने मन को जीत लेता है, अपने मन को कंट्रोल में रखता है, अपने मन को काबू में कर लेता है। और मन को काबू में वही करता है जो सदैव इस निरंकार के साथ जुड़ा हुआ रहता है। निरंकार के साथ जुड़कर निरंकार हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो जो जीते जी निरंकार हो गया वही अजय हो गया, वही विजेता बन गया। उसने ही इस काम क्रोध को मार दिया, क्योंकि कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध पैदा होता है। भगवद गीता हम पढ़े हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरा ज्ञान विज्ञान को समझाया है। तो अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला ये महान पापी है काम, और कामना में विघ्न पड़ने पे क्रोध पैदा होता है। तो जो ज्ञान विज्ञान का नाश करता है ये काम, इसको मार डाल हे अर्जुन। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को मार डाल। ये काम ही आत्मा को अधोगति में ले जाता है, नरक में ले जाता है, योनियों में लेकर जाता है। तो यही बात संत महात्मा भी समझाते हैं कि जीते जी मुक्त हो जाओ, मन को प्यूरिफाइड कर लो, मन को साफ कर लो, मन को निर्मल पावन पवित्र कर लो, क्योंकि ये निरंकार निर्मल पावन पवित्र है। तो पवित्र आत्मा हम कहते हैं ना, पवित्र आत्मा, होली सेंट्स। तो पवित्र आत्मा कौन है जो इस निरंकार के साथ जुड़ गया, इस गॉड के साथ, ऑलमाइटी ईश्वर खुदा के साथ जुड़ गया, वही है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को ही संत कहते हैं, क्योंकि संत इस सत्य के साथ जुड़ते हैं, निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, पाक साफ होते हैं। जो निर्मल पावन पवित्र होता है, जिसने मन को जीत लिया, उसके चेहरे पे दिव्य तेज होता है, उसके चेहरे पे ज्ञान की रोशनी होती है, ज्ञान का आभामंडल होता है, उसका चेहरा चमकता है। हम दर्शन करें, हम जब महान संतों के दर्शन करते हैं ना, तो उनके चेहरे का तेज देखें, दिव्य तेज होता है, क्योंकि उन्होंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। वो इस निरंकार के साथ जुड़ गए हैं। जो इस काम वासना पर विजय प्राप्त कर ले, उसी को बोलते हैं संत। संत की डिग्री सबसे बड़ी होती है। संत बनना बहुत कठिन है। संत एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा होती है। संत जहां भी जाते हैं परमात्मा के साथ सबको जोड़ देते हैं। संत में शक्ति होती है। जो सत्य निराकार के साथ जुड़ा है वही संत है। और आज हमारे सदगुरु हमें संत बनाना चाहते हैं कि हम संत बन जाएं। इसीलिए हमें इस निरंकार के साथ जोड़ा जाता है। केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़िए, इस हरि परमात्मा के साथ जुड़िए। हमें संसार के साथ नहीं जोड़ा जाता, हमें केवल और केवल इस निरंकार के साथ जोड़ा जाता है। इस निरंकार का ज्ञान दिया जाता है कि इस निरंकार के साथ जुड़ो, सेवा सत्संग सिमरन करो, हर पल हर घड़ी 24 आवर्स इस निरंकार के साथ जुड़े रहो। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।